आप सबका इस्तकबाल IRS 24 न्यूज पर। पुराने शहर रियासत नगर की खातून बुशरा बेगम का टांडुर खान कॉलोनी में हुआ कत्ल, शोहर इसरार अहमद और दूसरे ससुराली अफराद हैं मुलव्वस। खुदकुशी में तब्दील करने के लिए इसरार के वालिद सैयद कमल अत्थर कर रहे हैं कोशिश, लेकिन सदर मजलिस ने भी मुकामी सदर हादी को मामले में इंसाफ दिलाने के लिए हिदायत दी। देखिए ये रिपोर्ट, हमारी नुमाइंद रिपोर्टर आमिर की ये खास रिपोर्ट। पेश है IRS 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ राशिद मोहुद्दीन। हर अहम खबर से बाखबर रहने IRS 24 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। वो बच्ची सुसाइड करने वाली नहीं है, वो बच्ची सुसाइड करने वाली नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रहने वाली बच्ची है वो सुसाइड करने वाली। तू मारे साहब उसका बच्ची का क्या नाम है? अरे मेरी बुशरा बनी, मेरी जान है, मेरी बच्ची का शोहर का नाम क्या है? बच्ची के शोहर का नाम इसरार है, इसरार अहमद है, जलील है, सलील है, वो इंसान वो बच्ची के वालदा है साहब। मैं बच्ची का वालिद हूँ। शादी कर अभी ये टांडुर में है ना, ये टांडुर में टांडुर का ये दो साल पहले इन्होंने इससे पहले इंसाफ कर दी थे, इससे दो साल पहले भी बच्चों को इतना शदीद मार के रस्ते में से घर के सामने गाड़ी में से फेंक के चले गया था। वहाँ पे रात के टाइम में फिर बाद में वहाँ पे शहीद में सब कौंसलर मिलकर वहाँ पे PSI में जाके संतोष नगर में जाके उन्होंने केस दाखिल करे, फिर समझा करा के फिर बाद में नहीं करता ऐसा नहीं करता उसने माफी मांग के फिर से दोबारा छोड़ा। फिर इसके बाद में दो साल के बाद में ये हरकत करा, 8 दिन से कंटिन्यू बच्चे को मार रहा था, ऐसा मारा उन्हें 2-3 बार। बच्ची रो के फोन करी और वो पूरी रिकॉर्डिंग को वो नहीं करी, बहन को पूरी रिकॉर्डिंग आगे से अपने मेरे को फोन करती तो आधी रात और वाली साहब क्या बोले, फोन करके क्या बोले आपको? फोन करके बोली मेरे को बहुत तकलीफ दे रही, नो मैं कैसा रहूं, नंदों को बुला रहे, उनको बुला रहे, सबको बुला के ऐसा करते करते वैसा करते करते मेरी जिंदगी में नो बहुत तकलीफ दे रही। सबर से काम करो, सबर से काम करो जी, जाने दो, हो गया हो गया, जाने दो, हो गया हो गया। मेरे माँ बाप को बदनाम कर देता हूँ, बच्चा लेना मकसद बोला और ये बच्चे सुसाइड लिए बड़े कुछ भी नहीं था, सुसाइड माँ बाप को बदनाम बाहर नहीं, बच्चे की आँख बाहर नहीं, सुसाइड की ऐसा कोई नहीं, बच्ची दीनदार बच्ची थी, बच्ची सुसाइड नहीं करती, दीनदार घराने से ताल्लुक रखती बच्ची, बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती क्यों? तो बच्ची का भी हमने पूरे सारे लोग देखे, न जबान बाहर है उसकी, न आंख बाहर है, कुछ लेकर उसका गला दबा के मार के उसके बाद में उसको लटका गया और लोगों ने तक निकाल लिया, पूरी तरह तक निकाल लिए, पूरी तरह तक रख लिया था लोग। अगर वो आके सुसाइड निकाले क्यों बच्ची को? उन्होंने अपने क्या बोले उन्होंने? फोन करके बोले ऐसा हो गया, बोलो पूरा क्या क्या बोल के बोले उन्होंने? बोले पापा बोले आप नहीं बोले, चाचा फोन ले लिए, लेके बोले बच्ची का इंतकाल हो गया, बच्चे को बोला बच्चे बोल रहे तुम्हारे बहन को हार्ट अटैक आया, तो चेयरमैन है क्या? चेयरमैन है बोले घर में देखो बोला उनको, वो शरीर पर नाजायज औलाद कैसा पाला है, उसकी औलाद है किसी और की औलाद है? गलती नहीं रहती तो सामने आना था, इसकी औलाद है, गलती नहीं है तो हमारे पास आना था, नाजायज गलती नहीं है,
भैया उनकी अगर गलती थी तो नो यार, अगर गलती थी तो मेरे को फोन करके बोलना था भाई, गलती नहीं होगी थोड़ा दिन बाबा बोले तो मैं लेके चले जाता था भैया, उनकी गलती नहीं थी तो मैं यहाँ आना था। अंकल आंटी मेरे से ऐसा नहीं हुआ, मेरी बहन मेरे से ऐसा नहीं हुआ बोलना था, वो लोग कर दिया उसका काम, फिर तमाशा करती कानून के सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ भाई, आप इंसाफ के साथ दीजिए ना, किसी ऐसा कोई नहीं है, बस वो बच्ची के साथ इंसाफ होना, आप लोगों को ये उम्मीद है आप लोगों को बेफिक्री मामला है, कानून वाले आधे रखना के साथ मामला था बेफिक्र ये देंगे, जो भी मामला है किसी के मामले में ये नहीं करेंगे।